सुल्तानपुर में बहुचर्चित अवंतिका गोलीकांड में मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश सिंह और रमन सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें, बीती 29 जुलाई को बीजेपी नेता आलोक आर्या को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। घटनाकांड के आरोपियों के वकील ने सीसीटीवी फुटेज को झूठा बताया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए वकील ने कहा कि पुलिस युवकों को झूठे आरोपों में फंसा रही है। हमारे मुवक्किल जो है वो पूर्णतया निर्दोष है और न्यायिक व्यवस्था पे हम पूरा विश्वास रखते हैं और न्यायालय में आज अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और जो भी न्यायिक व्यवस्था होगी, आगे जो कार्रवाई होगी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें हम न्यायालय का पूरा सहयोग करेंगे और इस मामले में सही स्पष्ट विवेचना करने का भी प्रयास कराएंगे कि सहयोग हो न्यायिक व्यवस्था में और जो दोषी हो वो बख्शा ना जाए और निर्दोष को किसी प्रकार से दंडित न किया जाए। सीसीटीवी फुटेज में जो इनका वीडियो, देखिए सीसीटीवी फुटेज के लिए कोई स्पष्टीकरण अभी हमारे पास तक नहीं आया है, अब वो विवेचना का विषय है, उस पर हम कोई बात नहीं करना।